पीथमपुर सीएसपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता में पुलिस ने किया खुलासा, जिसमें पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश में नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल, थाना प्रभारी सोनी, चौकी प्रभारी प्रतीक शर्मा ने घाटा बिल्लो चौकी अंतर्गत महिला व उनके बच्चों का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्राम घाटा बिल्लो चौकी के अंतर्गत महिला मायाबाई सोलंकी ने सुमेर सिंह, गंगाबाई पति, नानूराम, सोहन, महेश, जितेंद्र, सुनील सभी नीलेबर पीथमपुर जिला धार पर 6 लोगों पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपियों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया और पीड़िता महिला ने पुलिस को बताया कि घाटा बिल्लो नयापुरा रोड देसी कलाली के पीछे शुक्रवार को शाम 6:30 बजे मेरे दोनों लड़के संजय उम्र 22 वर्ष, राजेश उम्र 28 वर्ष काम करके घर आए, जिसके बाद पड़ोस में रहने वाले सुमेर सिंह, उसका साला सोहन तथा जितेंद्र सुनील गंगाबाई मेरे घर में घुसकर मेरे व मेरे बच्चों के साथ मारपीट की, जिसके बाद थाना प्रभारी तारेश सोनी, चौकी प्रभारी प्रतीक शर्मा ने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया। साइबर सेल धारा द्वारा मोबाइल नंबरों को निरंतर सर्विलांस कर लिया और पुलिस द्वारा घेराबंदी कर रात्रि में पुलिस द्वारा घटना का पता लगने व पुलिस द्वारा पीछा किए जाने का पता लग गया, जिसके बाद आरोपियों ने महिला व बच्चों को घाटा बिल्लो सुनसान जगह छोड़ दिया। प्रेस वार्ता में बताया कि मकान के विवाद को लेकर गंगाबाई की पुत्री सपना, जिसका विवाह मायाबाई के पुत्र संजय से होना था, वहीं कुछ माह पहले एक्सीडेंट में सपना व उसके 1 वर्षीय पुत्र बाबू की मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना को अंजाम देकर महिला का अपहरण किया गया। वहीं पुलिस ने रविवार को आरोपी सुमेर सिंह सोहन महेश चंदन नगर स्थित निवास के पास से भागते वक्त गिरफ्तार किया। वहीं इस घटना में गंगाबाई, जितेंद्र, सुनील अभी भी फरार हैं और पूरी घटना में टाटा टियागो कार भी जब्त की है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। प्रार्थी मायाबाई सोलंकी ने के घर में सुमेर, सोहन, महेश, जितेंद्र, सुनील ये सब इकट्ठा एक राय होके उनके घर में और संजय और उनके परिवार वालों को अपहरण कर इनको गाड़ी में बैठा कर हम जरा के जंगल में ले गए और वहाँ मार डाले के उद्देश्य से उनको बांध दिए। पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस के प्रयास से जब उनको मालूम पड़ा कि पुलिस को मालूम पड़ गया है, तो इन लोगों ने संजय और उनके साथियों को छोड़ दिया। प्रार्थी मायाबाई की रिपोर्ट पर थाना पीथमपुर में अपराध पंजीबद्ध कर इतना किया गया, धारा 364, 342, 506, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि थाना प्रभारी तारेश सोनी और चौकी प्रभारी प्रतीक शर्मा, इन दोनों के सफल प्रयास से 3 लोगों की जान बच गई, जो पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। उसकी लड़की थी गंगाबाई की, गंगाबाई की लड़की एक्सीडेंट में खत्म हुई थी। वो जो संजय से गाड़ी चला रहा था, संजय बच गया था और वो खत्म हो गई थी, तो उसमें ये लगा कि इन लोगों को इसने मार डाला है। अच्छा। उसी उद्देश्य से एक रिवेंज फुल एटीट्यूड करके इनको अपहरण किए और हत्या करने के लिए ले जा रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।